भारत में आज भी ऐसे कई स्थान हैं जो कि आज भी रहस्य को समेटे हुए हैं, जिसमें से एक जगह है वृंदावन का निधि वन। ऐसी मान्यता है कि रोज रात यहां पर राधा और कृष्ण जी रास रचाते हैं। वृंदावन के अंदर एक रंग महल है जहां चंदन का पलंग रखा हुआ है। रोज रात 7 बजे से पहले इसे सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी का सिंगार, दातुन और पान रख दिया जाता है। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि जब सुबह 5 बजे रंग महल का दरवाजा खोला जाता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त मिलते हैं, लोटे का पानी खाली होता है, दातुन कुचला हुआ होता है और पान खाया हुआ होता है। और यहाँ पर ज्यादातर पेड़ अकेले ना होकर जोड़ों में होते हैं। वैसे तो पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती है, लेकिन यहाँ की वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर होती है। सुबह निधि वन का भवन पुजारियों पशु पक्षियों के लिए खोल दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता। शाम 7 बजे के बाद पशु पक्षी तक यहाँ से चले जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी रात में निधि वन में रुकने की कोशिश करता है उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। ऐसा श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि राधा के साथ रास करते समय उनका कहना था कि गोपियों और उनकी सखियों के सिवा अन्य कोई भी व्यक्ति उनका रास नहीं देख सकता, पशु पक्षी तक नहीं। इसलिए सब शाम 7 बजे के बाद यहाँ से चले जाते हैं।